नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर है हम उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान आया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर है क्या। उत्तर प्रदेश में कई जगह आंधी तूफान और बिजली का कहर, 23 लोगों की जान चली गई है इस घटनाक्रम में। ये देखिए, ये है पूरी जानकारी, आप हमारी साइट पर आकर पढ़ सकते हैं। पूरी खबर लगी है विस्तार से। कई जगह विद्युत आपूर्ति ठप हुई है, बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, फसलों को नुकसान हुआ है। बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास के ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ खूब बारिश हुई है, यहाँ तक कि ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से 16 लोगों की जान इस इलाके में चली गई है। आंधी बारिश के आसार जो हैं गरज और चमक के साथ आज भी हैं। एक बड़ी खबर, कुल मिला के इस प्रदेश में 23 लोगों की जान गई है आंधी बारिश तूफान बिजली के कहर से। अगली बड़ी खबर, अनलॉक 1। 68 दिनों की बंदी के बाद कल से धीरे धीरे खुलेगा देश का ताला। नियम तोड़ने पर सजा का ऐलान भी है। 68 दिन की बंदी थी, जिसके बाद अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ा है भारत। अब फिर से देश को पटरी पर लाने के लिए 3 चरणों में बंदिशें खत्म करने की प्लानिंग की गई है। 1 जून से बिना पास के आप कहीं भी आ जा सकेंगे। रात का जो कर्फ्यू है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो पाबंदी है, कर्फ्यू है, वो जारी रहेगा। और 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल्स। लेकिन आपकी सतर्कता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना कभी भी कहीं भी आ सकता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाली बड़ी बीमारी है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉकडाउन में तीसरी बार देशवासियों से अपने मन की बात करने वाले हैं। पीएम मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए तमाम देशवासियों को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के दौरान ये तीसरी बार होगा जब वो लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते सोमवार को इस कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे, और आज लॉकडाउन में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं मन की बात। अगली बड़ी खबर, अपडेट जो कि बहुत ज़रूरी है। फिलहाल कोरोना को लेकर देश में ताज़ा मामलों की कुल संख्या कितनी है और कुल मामले कितने सामने आ चुके हैं अब तक। कुल मामलों की संख्या की बात करें तो 1,73,763 हो चुके हैं अब कोरोना संक्रमित लोग। इसके साथ ही 82,370 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा तकरीबन 5,000 पहुंच रहा है। 4,971 अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट 4.51 से बढ़कर 47.40 हो चुका है। देश में 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ जो भी जानकारी है इससे संबंधित, वो तमाम वो जानकारियां हमारी साइट पर लगी है, आप देख सकते हैं कहां कितने नए मामले सामने आए हैं राज्यवार तरीके से, कहां पर मेडिकल स्टाफ के साथ किस तरह का बिहेव किया गया। जैसे मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टाफ की बाकायदा आरती उतारी गई है, गुजरात में कैदी मास्क बना रहे हैं। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपको हमारी साइट पर मिल जाएंगी। अगली बड़ी खबर दुनिया से ले लेते हैं। दुनिया में कोरोना की वजह से हालात क्या हैं आप देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा तनाव हो चुका है अमेरिका चाइना के रिलेशनशिप को लेकर, और अमेरिका ने अब WHO से अपने सारे संबंध खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी बीच ट्रंप टालने जा रहे हैं G7 सम्मेलन। उन्होंने कहा है कि पहले भारत को आमंत्रित करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो G7 सम्मेलन को फिलहाल सितंबर तक टाल रहे हैं। इससे पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 46वां G7 शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 से 12 जून तक आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन फिलहाल अब ये नहीं होगा, कम से कम सितंबर तक। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है वो कभी भी कहीं भी किसी तक भी पहुँच सकता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला.com के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।